बहुत साल पहले एक राजा था। उसे अध्यात्म में बहुत रुचि थी। उसके मन में बहुत आध्यात्मिक सवाल थे, पर उसका जवाब उसे मिल नहीं रहा था। तभी उसने एक बहुत बड़े संत के बारे में सुना, जो उसके सभी सवालों के जवाब दे सकता था। राजा उसके पास गया और संत से याचना की कि वो उसे कोई ज्ञान की बात बताए। संत ने राजा को कुछ अनाज के दाने दे दिए, पर कुछ न बोले। राजा को संत की इस हरकत से अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने उस अनाज के बीजों को फेंक दिया और चले गए। और फिर राजा अपने राजपाट को और बढ़ाने में लगा रहा। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वह बूढ़ा होने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपना सारा जीवन धन संपत्ति कमाने में ही लगा दिया है, और ये धन संपत्ति उसे मृत्यु से नहीं बचा सकती। उसने सोचा कि कहीं उसने अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ तो नहीं गंवा दिया। उसे उस संत की याद फिर से आई। उसने उस संत को खबर भिजवाई कि राजा उनसे आशीर्वाद पाना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। संत ने राजा के लिए फिर से मुट्ठी भर अनाज भिजवाया। राजा को लगा कि वह इतना भी परिपक्व नहीं है कि संत के इस इशारे को समझ सके। उसने संत के दिए हुए बीज को अपने पूजा कक्ष में रखवा दिया। राजा संत के इस इशारे को समझने के लिए अपने आस पड़ोस के सभी राज्य से सबसे बड़े दार्शनिक को बुलवाया और सारी बात बताई। उस दार्शनिक ने राजा से कहा कि वह राजा को कुछ सिखाने नहीं आया है, बल्कि उस महान संत के दर्शन करने आया है। फिर राजा ने उसे संत के द्वारा दिए हुए अनाज को दिखाया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। वह दार्शनिक उन अनाज के दानों को देखकर जोर से चिल्लाया, वाह, कितनी बड़ी ज्ञान की बात है, कितने बड़े ज्ञान के बीज हैं ये, ज्ञान की बात सिखाने का क्या ही तरीका है। राजा उस दार्शनिक से कहा, हे महंत, जरा विस्तार पूर्वक बताए। दार्शनिक ने कहा, देखो इन बीजों को, ये बीज दिखने में सीमित है, पर इनमें असीमित क्षमता है बढ़ने की, खुद को आगे बढ़ाने की। एक बीज से एक पेड़ बन सकता है, उस पेड़ से फिर से बीज बन सकता है, इस तरह यह अनंत चक्र चलता रहता है। हम भी इन बीजों की तरह सीमित नज़र आते हैं, पर हमारे अंदर गहरे ताल में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत क्षमताएं हैं आगे बढ़ने की। दूसरे, जब तक ये बीज अपनी पहचान, अपना रूप, अपना आकार को नहीं छोड़ेगा, वह आगे बढ़ नहीं सकता। उसी तरह जब तक हम अपने कल को, अपनी पहचान को, अपने अतीत को नहीं दफनाएंगे, तब तक नए भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। और इसी तरह बुद्धिमत्ता से जीने की कला ही आपको शांति से मरने की कला सिखाती है। और अंत में जब इन बीजों को मिट्टी में गाड़ते हैं, तो कुदरत की असीमित और अदृश्य शक्तियां जैसे हवा, पानी, गर्मी, ऊर्जा इन बीजों को प्रस्फुटित होने में मदद करती है। आपको कुदरत पे भरोसा होना चाहिए। इसी तरह जीवन में भी हमें भलाई पर भरोसा होना चाहिए, तो कुदरत की अदृश्य शक्तियां हमें ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाती है। फिर दोनों राजा और दार्शनिक उस महान संत से मिलने चले गए। उस संत ने उनका स्वागत किया, पर कहा कुछ नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं की। संत उन दोनों को अपने आश्रम के बागीचे में लेकर गया और उन्हें सिर्फ ध्यान से देखने और सीखने के लिए कहा। संत की उपस्थिति में जब वे लोग बागीचे में घूम रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी प्रजाति तभी जीवित रह सकती है जब वो कुदरत के साथ चले, जब वो नेचुरल हो, नैसर्गिक हो, जिसके लिए उसका जन्म हुआ हो, जिसके लिए उसे कुदरत ने बनाया हो। अगर कोई बीज प्रस्फुटित होने से मना कर दे, तो वह मर जाएगा। उसी तरह ज्ञान और अच्छाई भी बांटना चाहिए, फैलाना चाहिए, उसे बांध कर रखा नहीं जा सकता। आप भी एक बीज की तरह हैं। आप अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बांटिए और अपनी अच्छाइयों को लोगों की भलाई में उपयोग करिए, तभी हमारा जीवन एक सफल जीवन कहलाएगा। हम दिखने में जरूर सीमित हैं, लेकिन हमारे अंदर असीमित ऊर्जा है, क्षमता है,
ताकत है, अनंत संभावनाएं हैं। इस दिखावटी दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर की नेचुरल क्षमता को, खुद के टैलेंट को पहचानो और उसी दिशा में आगे बढ़ो।